बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगी अपनी फैमिलीज के साथ। और रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है माशाल्लाह से, और आपको मेरी तरफ से तमाम जितने देखने वाले हैं सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक बस रमज़ान हम सबका खैर खैरियत से गुजारे, और जो महंगाई से लोग तंग हो चुके हैं अल्लाह पाक उन पर भी अपना खास करम करे। महंगाई से वैसे सारे सभी तंग हो चुके हैं, लेकिन चलाने वाली जात तो अल्लाह की है, और अल्लाह पाक हर तरीके से इंसान को अपने साथ लेके चलता है। तो बहरहाल ये भी एक इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, ऊंच नीच ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और रमज़ान मुबारक का चांद आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, अल्लाह पाक खुशियाँ लेकर आए सबके लिए। और कोशिश यही करेंगे हम सब, अहद यही करेंगे कि पूरे रमज़ान में माशाल्लाह ज़्यादा इबादत करनी है। वैसे तो पूरे साल की ही इबादत जो हम ना होने के बराबर ही करते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जितनी नेकी हो सके, जितना दूसरों की मदद हो सके, जितना सवाब कमा सके हम कमा लें। अच्छा जी, उसके बाद कल की वीडियो के बारे में माशाल्लाह से बहुत अच्छे कमेंट्स आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। आप सब ने कमेंट्स बहुत सारे किए, मैंने कल यही कहा था कि मेरे चैनल में कम अज़ कम कमेंट्स किया करें मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कमेंट्स आप लोगों ने किए, और बहुत सारे किए एक दो भी नहीं, बहुत सारे किए जिनके आदों के तो मैंने अभी जवाब ही नहीं दिए, रिप्लाई ही नहीं दिया उनको। मैंने कोशिश यही की कि जो कोशिश यही थी कि सबको रिप्लाई करूं, लेकिन इतना टाइम इशू होता है आपको पता है फैमिली के साथ कि नहीं दे पाती मैं। अब इंशाल्लाह आज जो रह गए थोड़े से मेम्बर्स मेरे रह गए रिप्लाई करने वाले, आज उनको भी रिप्लाई लाजमी दे दूँगी। और स्किन के हिसाब से कल मुझसे एक दो हमारी सिस्टर्स हैं वो ज्वाइनर्स भी हैं हमारी और फ्लेम में, तो मुझे कह रहे थे आप अपनी डेली रूटीन स्किन की जो है अपने हेयर केयर की तो हमें बताई, आपने बालों के हिसाब से आप क्या यूज़ करती हैं, कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ करती हैं, कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं, लेकिन आपके स्किन के हिसाब से मुझे बताएं कि स्किन में आप क्या क्या यूज़ करती हैं, कौन सा फेस वॉश यूज़ कर रही हैं, अभी गर्मी हो या सर्दी हो उसके हिसाब से, या पिम्पल्स के हिसाब से। अच्छा, मुझे पिंपल्स जब हुए थे चेहरे पे, अब तो माशाल्लाह बहुत कवर हो चुकी हैं ये चीज़ें, उसके बाद उन पिंपल्स की जगह पे खड्डे बन गए थे, तो उसके लिए भी मैंने एक प्रोडक्ट ओरिफ्लेम की यूज़ की थी, उससे बहुत ही बेनिफिट मुझे मिला, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। और मैंने यही सोचा कि आज वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ जिनको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इस्तेमाल कर चुकी हूँ और उससे मुझे क्या फ़ायदे मिले। सबसे पहले जी लव नेचर का मैंने आपको बताया था, ये परफ्यूमिंग जेल वॉश मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे, टू टाइम गर्मियों में तो 2 से 3 टाइम भी मैं यूज़ कर लेती हूँ उसे, क्योंकि चेहरे पे ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं आने देता, इसका इतना ही बेहतरीन रिजल्ट है। ठीक है, ये टी ट्री और लाइम का है, और अगर आप इसमें दूसरी उसका भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसमें एप्रिकॉट भी है। ठीक है, अगर वो ये कि स्किन टाइप अलग हो जाती है, क्योंकि मेरी स्किन जो बहुत ज़्यादा ऑयली है मेरे चेहरे पर, तो आप यकीन करें कि ये मेकअप अभी तक जितना मैंने भी किया हुआ हल्का फुल्का वो नहीं ठहरता, वो बह जाना था, लेकिन ये कि इसकी बदौलत जो है ना अभी ये बरकरार है मेकअप। और उसके बाद ये ऑयली स्किन के लिए है, अगर इसकी पूरी आप ये बच्चों ने कैप ही देखे ना इसका, माशाल्लाह से कैप ही अलग कर दिया, ये अब कैप बंद ही हो ही नहीं सकता, इसलिए जो ना मुझे पकड़ना पड़ रहा है इसको, कैप निकलना चाहिए। ठीक है, ये ऑयल ऑल स्किन के लिए है, ऑयली स्किन के लिए, ऑल एजेस के लिए सही, टीन एज हमारी बहनें जो हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, बच्चियाँ भी यूज़ कर सकती हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद ही आते हैं पिंपल्स पे, एक्ने की मैंने आपको पिछले दौरान वीडियो में बताई थी कि मैं ब्लेमिश का जेल यूज़ कर रही थी, लेकिन मैंने ब्लेमिश की एक ट्यूब छोटी सी थी वो मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से, बहुत उसको जब वो एंड भी हो गई उसको मैंने कैंची से काट के वो भी इस्तेमाल की, मैंने बोला नहीं पे पैसे दिए मैंने, तो उसको मैंने यूज़ किया, वो अब एंड हो गई थी, उसकी जगह पर मैंने ये लव नेचर वालों का ही परफ्यूमिंग ये मंगवाया था, करेक्टिव स्टिक मंगवाई थी ये पिम्पल्स के लिए। ठीक है, अगर उसको मैं ये कंसीलर नहीं, आप लोग देखें इसमें ये कंसीलर नहीं है, इसको ये देखें, अब आप लोगों को नाम समझ आएगा इसका, लव नेचर का करेक्टिव स्टिक है ये, और ये जी ग्रीन कलर की, ये देखें माशाल्लाह अच्छी खासी लिपस्टिक है ये, जितनी लिपस्टिक का साइज़ होता इतना ही है ये। आपने ये करना है जी, आपने जब फेस वॉश करना है अपना चेहरे का, उसके बाद आपने जहाँ पिम्पल्स हैं आपके, जिस तरह के भी पिम्पल्स हैं, आपने ये स्टिक ओपन करके जस्ट मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखें, आपने कोशिश हल्के हाथ से ही थोड़ी थोड़ी जहाँ पिंपल्स के निशान भी रह गए आपने उस जगह को कवर करना है इस तरीके से। ठीक है, कवर करने के बाद आप इसको छोड़ दें, उसके बाद आप ये कोशिश करें कि जितनी दफ़ा फेस वॉश कर रहे हैं इतनी दफ़ा ये यूज़ करें, आपकी पिंपल्स मैं दावा नहीं करती, लेकिन पिंपल्स 2 डेज में ना गए तो आप ये पैसे मुझसे वापस ले लीजिएगा। उसके बाद जी आ जाती है नोवेज की आई क्रीम, ये इसका बारे में एक वीडियो में अपलोड आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ,
डेली बेसिस पे मैं कोशिश करती हूँ कि दिन के टाइम इसको ना यूज़ करूँ, मैं रात के टाइम यूज़ करूँ, क्योंकि दिन के टाइम ये होता है कि हम लोग किचन में भी काम कर रहे होते हैं, गर्मी भी होती है, डस्ट भी लग रही होती है, क्योंकि घर के काम आपको पता है किस तरीके से ही होते हैं। तो कोशिश करती हूँ मैं कि रात के टाइम इसे आई क्रीम को जो है ना हल्कों पर लगा के मैं ये के सो जाऊँ। और ये तीन चीज़ें हैं जो मेरी डेली रूटीन में ये शामिल है, तीन चीज़ें। इसका कैप आप लोग बाहर ना देखिएगा, कैप इसका बच्चों ने निकाल दिए मेरे, और ये वैसे भी एंड होने वाला। अब इंशाल्लाह अब न्यू चीज़ें आ गई हैं, नए फ्लायर्स आ गए हैं, अब नए कैटलॉग में से इंशाल्लाह मंगवाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं जब ये यूज़ करती हूँ, मेरे जब चेहरे पर ऑयल नहीं आता, तो मैं ओरिफ्लेम वालों को बहुत ज़्यादा दुआएँ देती हूँ कि चलो भाई कुछ तो मेरे लिए उन्होंने बनाया है। और ये स्टिक का भी आप लोगों के सामने रिजल्ट है कि पिम्पल्स किस ज़्यादा थे, किस तरीके से थे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मेरे चेहरे पे पिंपल्स होने के साथ, जो पिंपल्स कवर हुए उसके बाद खड्डे बनना शुरू हो गए थे, खड्डे बनना इस तरीके से शुरू हो गए थे कि चल बहुत ज़्यादा ऑयल तो नहीं आता था, पिंपल्स ख़त्म हो गए, निशान भी उनके ख़त्म हो गए, लेकिन जिस जैसे मैं क्या, खड्डे आप लोग समझ ही रहे होंगे किस तरीके से बन गए थे, और वो बहुत अजीब से लगते थे। या तक जब मेकअप भी मैं करती थी या बेस वगैरह भी लगाती थी, वो खड्डे उभर के ऊपर की तरफ आ जाते थे। उसके लिए जी मैंने ये नोविच की मैंने इंस्टेंस स्किन रिचार्ज क्रीम मैंने यूज़ की, और अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे अब जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई मैंने बहुत कर, पहले टू टाइम यूज़ करती थी, अब ये रात के टाइम में एक टाइम यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें इसकी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बोतल है कि दिल नहीं करता कि बोतल बंदा जो है ना यूज़ भी करे। ठीक है, ये देखें, ये पैक मैंने रखी हुई है, इसके ऊपर का ये कवर है, और ये वाइट कलर की, ये देखें ये पूरी बोतल जो है कांच की बनी हुई, और उसका कैप भी। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कम से कम क्वांटिटी में, यानी कि वन ड्रॉप। आपको मैंने यही कहा था कि ओरिफ्लेम की कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, जस्ट वन ड्रॉप आप यूज़ करें, और उसके बाद देखें रिजल्ट कैसा है। आप कोई भी देखें ना, बेस लगाते हैं उसकी अच्छी खासी आपको यानी कि लगाना पड़ता है चेहरे पर कि उसको कवरेज के लिए, लेकिन ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट की ये बात मैं नहीं कह रही कि मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ या मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो उनकी तारीफ़ कर रही हूँ। ये तारीफ़ के काबिल हैं ये चीज़ें कि आपके, कल भी मैंने सिंपल मेकअप किया आपके सामने, बस जस्ट वन ड्रॉप ही यूज़ की, और उसके बाद मैंने आपको पूरा बताया कि चेहरा किस तरीके से माशाल्लाह अच्छी कवरेज हो गई थी, चेहरा बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया था लगाने से, यानी कि जस्ट नेचुरल लुक आ गया था, कोई हैवी लुक नहीं आया था। हाँ, आपका इसका हैवी लुक आप देना चाहते हैं, आप बेस की मकदार बढ़ा दें। अगर आप पार्टी वेयर जैसे आप वेडिंग्स में जा रहे हैं रात के टाइम, थोड़ी सी आप बेस की मकदार बढ़ा दें, उसी योगा के बेस की कवरेज आपकी बढ़ जाएगी। तो मेरी जो स्किन केयर की रूटीन थी मैंने आपको बता दिया कि मैं ये चार चीज़ें यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल तो, और कोशिश करूँगी कि ये चीज़ें मेरी, क्योंकि इन चार चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। जिस तरीके से आप वीडियो से मैं देख रही हूँ, लाजमी बात है वीडियो में बंदा ये पिम्पल्स और ये खड्डे हो गए ये तो नहीं छुपा सकता ना, लेकिन लाजमी बात है ये यूज़ कर रही हूँ चीज़ें तो आप लोगों को फ़र्क पता चल रहा है। ठीक है, मेरी ये चार चीज़ों से मेरा ये कि मेरा जो ये सिस्टम चल रहा है ओरिफ्लेम से, और उम्मीद करूँ कि अपना आप लोग दुआओं में याद रखेंगे और पहला रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबके रोज़े खैर खैरियत से गुजारे, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, और सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सबके लिए मुश्किलात, सबकी मुश्किलात आसान करे, क्योंकि अल्लाह पाक तो कहते हैं कि ए बंदे मुझसे तू मांग, मांगने वाला तो बन, मैं तुझे अता ना करूँ तो फिर कहना, लेकिन हम खुद नहीं मांगते, हम खुद काहिल बन जाते हैं, हम खुद सुस्त बन जाते हैं कि अल्लाह पाक तो चलो निज़ाम चला ही रहे, लेकिन ये चीज़ गलत है। हम पे जो फ़राइज़ अदा किए गए हम कम से कम वो तो फ़राइज़ तो अदा कर सकते हैं ना अल्लाह के। तो आप बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह कल अफ्तार के बाद मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी, और रमज़ान के हिसाब से भी आपको फिर बताऊँगी भी मैंने क्या क्या आज किया नहीं किया, और अफ्तारी में क्या क्या बनाया आज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छा कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द अफ्तार के फ़ौरन बाद ही अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।